नगर कटड़ा के प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए बाढ़ गंगा नदी के किनारे पर अवैध रूप से बने घोड़ों के शेडो को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। कटड़ा एसडीएम नीलम खजूरिया ने बताया कि नदी के किनारे धीरे धीरे घोड़ों के निवास बनते जा रहे हैं, जिससे बाढ़ गंगा नदी का जल दूषित हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अपनी कार्यवाही शुरू की है। लगभग 52 शेडो हैं जिन्हें हटाया जा रहा है। एसडीएम खजूरिया ने यह भी कहा कि घोड़ों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर सैरबाड़ गांव विकल्प के तौर पर है। इस मौके पर एसडीएम नीलम खजूरिया, एएसपी सुमीर कोतवाल, नगरपालिका ईओ संजीव कुमार, तहसीलदार मोहित रैना, डीएसपी डॉक्टर अशोक शर्मा, एसएचओ अरविंद संव्याल, नायब तहसीलदार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। हमारे सर्वे के अकॉर्डिंगली 52 शेड्स हैं टोटल जिनको हमने गिराना है। अभी इनिशियल फेज में जो है आज हमारी 3 टुकड़ियां जो हैं वो लगी हुई हैं अपने अपने काम करने। शाम तक देखते हैं कितने हो जाएंगे, बट एनजीटी की डायरेक्शंस के हिसाब से हमें ये सारे हटाने ही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम इन लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि इतना पवित्र हमारा रिवर है, इसको पोल्यूट होने से बचाएं, आप भी हमारा साथ दें। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप सब लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि जिनके भी घोड़े यहाँ पे बंधे रहते हैं, फ्रिक्वेंटली यहाँ आते हैं, वो खुद ही इनको यहाँ से हटाना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद हम फिर जो जिनके घोड़े यहाँ पे होंगे उनको भी फिर फाइन करेंगे। हमने जगह आइडेंटिफाई करके रखी है सैरबाड़ में, और हम इन्हें ये प्रपोज इन हमारी तरफ से एक ये सुझाव है कि जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे शेड नहीं तो हम कहाँ बनाएं, वो आएं हमारे साथ रابطہ कायम करें, हम उन्हें अल्टरनेट साइट भी देंगे, हमने रिहैबिलिटेशन के लिए साइट भी ढूंढ के रखी है उनके लिए।